हेलो फ्रेंड्स, लत्तू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेज ऑमलेट। जी हाँ, वेज ऑमलेट जो बिल्कुल आसान सामग्री से और बहुत जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पर हमने बेसन लिया है एक कटोरी, आधा कटोरी हमने यहाँ पर मैदा लिया है, एक टमाटर लिया है, प्याज लिए हैं और हरी मिर्च लिए। इन सबको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब एक खाली बाउल में हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। पहले हम ये बेसन डाल देंगे जो हमने एक कटोरी बेसन लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद में हम इसमें मैदा मिक्स कर देंगे। आधा कटोरी के लगभग हमने यहाँ मैदा लिया था, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है पूरा, ये देखिए। अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास में हो, आसानी से मिल जाए, वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर बेकिंग सोडा हम डाल देंगे इसमें, साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ये देखिए। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद में हम इसका घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप अच्छे से बेसन को और मैदा को मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद धीरे धीरे से पानी डाल के चलाते रहिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और हमें इसका जो बैटर बनाना है, जो घोल बनाना है, बिल्कुल पतला बनाना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, हमें पतला घोल तैयार करना है। ये देखिए, इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा यहाँ पर घोल बन चुका है। देखिए आप, इतना पतला हमें ये रखना है। और अगर आपको गुठलियाँ नज़र आती है तो इसको चलाते रहिएगा और थोड़ी देर मैश करती रहेगा इस तरह से। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे जो हमने काट के रखा था एक साइड, और साथ ही हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, और इसके बाद हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। अगर आपके पास में हरा धनिया उपलब्ध हो तो आप वो भी डाल लीजिएगा, उससे वाकई बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को इस घोल में मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अगर आप चाहो तो इसमें काली मिर्च या लाल मिर्च मिला सकते हैं, जैसा भी आप खाना चाहें। मैंने यहाँ पर इसमें लाल मिर्च मिलाई है, मैं इसमें अब थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें आधा चम्मच थोड़ी सी लाल मिर्च मिला दी है ताकि थोड़ा चटपटा टेस्ट आए। अब हमने एक साइड तवा गर्म कर लिया है। आप चाहे तो नॉनस्टिक तवा या लोहे का तवा कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवा यूज़ किया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था, आप बटर या तेल कुछ भी लगा सकते हैं। और इस तरह से चम्मच की सहायता से फैलाकर चारों तरफ फैला दीजिएगा चम्मच से। ये देखिए, और इसके बाद इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। चम्मच से नहीं फैलाना हमें, इसे अपने आप ऑटोमेटिकली फैलने देना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे फैला देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वेज ऑमलेट बनाने वाले हैं तो हमें बिल्कुल ऑमलेट की तरह से बनाना है। ये देखिए, अब धीरे धीरे हमारे ये पकने लगा है ऑमलेट। इसके ऊपर आप घी या बटर लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। यहाँ पर मैंने घी लगाया है इनके ऊपर। जब ये अच्छे से सिक जाएगा तब इसे हम पलट लेंगे। यहाँ पर अभी हल्का सा कच्चापन है इसमें। आप इसकी गैस बिल्कुल मीडियम रखिएगा, बिल्कुल लो भी ना करें और तेज भी ना करें, मीडियम गैस पर आप बनाएं इसे। ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे, इसको अच्छे से पलट दीजिएगा आप। ये देखिए, अच्छे से पक चुका है आगे से। अब हमें पीछे से भी इसे सेक लेना है। ये देखिए, ये कितना टेस्टी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल ऑमलेट जैसा टेस्ट आता है इसका, आप बनाकर देखिएगा इसे। अब यहाँ पर हम इसको पलट के देख लेंगे कि हमारा ये चीला या ऑमलेट बना है या नहीं बना। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है ये। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे और इसको सॉस या चटनी के साथ आप खाइएगा, आपको वाकई बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आप नॉर्मल नाश्ते से बोर हो गए हैं तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा नाश्ते में, इसको बहुत टेस्ट लगेगा आप। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये सॉस के साथ खाने वाले हैं। यहाँ पर एकदम कुरकुरा सा हमारा ऑमलेट बनकर तैयार हुआ है ये, जिसे हम खाएंगे। आप ज़रूर बना के देखिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगता है। आपको बताइएगा हमें। थैंक यू।